2024 में बीजेपी राम मंदिर के सहारे अपनी नैया पार लगाने में जुटी है, तो वहीं विपक्ष रामलला के राजनीतिकरण को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर है। इधर इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता लगातार बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर घेर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर शिवसेना नेता संजय राउत ने राम मंदिर को लेकर मोदी पर जोरदार हमला बोला है। तो क्या कहा है संजय राउत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के मुद्दे को खूब भुनाने में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी का ये दांव अब कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर फंसती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के घटक दल ने फिर से बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर घेर लिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है, धार्मिक मामलों में संभल कर राजनीति करनी चाहिए। वहीं अब आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने अपनी और मोदी की मार्केटिंग कर रही है। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं और ये लोग ईडी और सीबीआई को बार बार हमारे घर में घुसा दे रहे हैं, हम लोग थक चुके हैं ये सब देखकर। मैं तो बचपन से ही ईडी सीबीआई को देख रहा हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इन सब चीजों से, हम लोग लड़ते रहेंगे। राम मंदिर को लेकर भाजपा पर बरसते हुए तेजस्वी यादव ने ये भी पूछ लिया कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे ना कि मंदिर। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया दिन भर हम लोगों से राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर यही सब पूछती है। भगवान राम को मोदी जी की क्या जरूरत है, भगवान राम चाहते तो अपना महल खुद बनवा लेते, और मोदी जी ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उन्होंने भगवान राम को घर और महल दिला दिया हो। ये सब बेकार की बातें हैं, आस्था मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। पाप करते रहेंगे और राम राम करते रहेंगे तो राम आशीर्वाद नहीं देंगे। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जिस रूप से एनडीए सरकार पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण में रुचि ली है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं और अगर कोई मंदिर या धार्मिक स्थल बनता है तो सरकार उसमें एक सीमा तक ही दखल दे सकती है। असली काम उस कमेटी का होता है जो निर्माण करवाती है। राम मंदिर पर चुनाव जीतने के लिए राजनीति हो रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।